पत्रकार बंधुओं, आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें प्रमुखता से जो विषय है कि जम्मू जो कि मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, जम्मू के अंदर टैलेंट और नेचुरल इन बॉर्न जो हुनर है वो भी कहीं कम नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आगे लाने का प्रयास किया जाता हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आगे लाने का प्रयास किया जाता हो, हिंदी हो, डोगरी हो, पंजाबी हो, हमारे बेहतरीन कई कलाकारों ने जम्मू का नाम रोशन किया है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दो जम्मू के होनहार बच्चे, जिनका कि इनबॉर्न टैलेंट अब निखर के सामने आया है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और एक राहुल बाजवा प्रोडक्शन हाउस के हमारे ओनर है राहुल बाजवा जी, और इनके साथ इनकी को पार्टनर है श्रुति शर्मा जी, और इनकी पूरी एक टीम है। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने पंजाबी के अंदर अपना जो टैलेंट है, अपना हुनर है वो दिखाया है। और अभी लेटेस्ट जो इनकी एल्बम जो लॉन्च होने जा रही है, जो कि 18 तारीख को जिसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग यूट्यूब पे होगी, आज हमने सोचा कि 18 से एक दिन पहले, क्योंकि ये सन ऑफ द सॉयल है, ये डॉटर ऑफ द सॉयल है, तो जम्मू के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जम्मू के बच्चे बाहर जाकर जम्मू का नाम जो है कितनी बेहतरीन तरीके से रोशन कर रहे हैं, और जम्मू को लोगों को अपने बच्चों पे फख्र और प्राउड महसूस होना चाहिए। ये पंजाबी सॉन्ग है, हानिया गाने का नाम है, और इस एल्बम में तकरीबन 3 गाने जो है वो शूट हो चुके हैं। 18 तारीख को ये तीनों गाने जो है यूट्यूब पर लॉन्च हो जाएंगे। हम आपके माध्यम से ज़रूर चाहेंगे कि सोशल मीडिया में मैक्सिमम लोग आपके माध्यम से ये, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा सोर्स है, आप एक आईना है जो सच्चाई सामने लाते हैं, और हमने हमेशा ही मीडिया को एक चौथे पहरे का नाम दिया है, और इस वर्तमान कोविड के दौर में मीडिया जिस तरीके से कोरोना वॉरियर बन के उभर के सामने आया है, हम आपके वर्किंग को भी सल्यूट करते हैं, और ज़रूर चाहेंगे कि आप सबके माध्यम से ये एल्बम और ये हमारे बच्चों का जो हुनर है वो हर परिवार तक, हर परिवार से हर दिल तक पहुंचे, और इनके कला और इनके टैलेंट को वो लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, क्योंकि आईटी का ज़माना है, और आपको पता ही है कि कोविड का भी दौर है, बहुत बड़े कार्यक्रम अभी करने भी संभव नहीं हो पाते। अन्यथा आपने सोचा था कि 18 तारीख को एक बड़ी लॉन्चिंग करते, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके लिए हमें संकेत दिए कि अभी ज़्यादा गैदरिंग करना संभव नहीं हो पाएगा, तो हमने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अवगत कराएं कि व्हाट एक्चुअली राहुल बाजवा या राहुल बाजवा प्रोडक्शन ग्रुप जो आपको देना चाहता है वो क्या हुनर है, वो क्या टैलेंट है श्रुति शर्मा का, राहुल बाजवा का, जो इन गाने के माध्यम से जो पिक्चराइजेशन हुआ है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि राहुल जी और श्रुति जी अपना एक्सपीरियंस भी और अपने प्रोडक्शन हाउस को भी आपके सामने एक प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करें, और बताएं कि आने वाले टाइम में जो है इनके क्या मंसूबे हैं, ये किस तरीके से पंजाबी को, हमारी डोगरी भाषा को आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने वाले। शुक्रिया करता हूँ आने के लिए और हमें अटेंड करने के लिए, और विक्रम भैया का जिन्होंने हमें बोला कि आप जम्मू में आके लॉन्च करो। मैं काफ़ी देर से गाने बना रहा हूँ, पिछले 8 साल से गाने बना रहा हूँ, तो इस टाइम हमने सोचा कि हम जम्मू में जाके लॉन्च करें। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि आप इतने सालों से गाने बना रहे हो, कभी कभी मुझे ऐसे भी मैसेजेस आते थे कि डोगरी बोल के बताओ अगर आप जम्मू से हो, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और कोई मुझे जम्मू में जानता नहीं है। तो हानिया गाना हमने दुबई में शूट किया है, बहुत प्यारा गाना बना, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, स्टोरी बहुत प्यारी है गाने की, और ये काफ़ी महंगा गाना बना है। इस गाने को बनाने के लिए हमने एक लंबोर्गिनी भी तोड़ दी है तो बहुत रिस्की था, मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है कि यहाँ पे जो कार लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं वो कार हम तोड़ के आए। शूट के टाइम हमें मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला नुकसान हो गया, लेकिन मेरे लिए वो एक अचीवमेंट थी कि जो गाड़ी लेने की सोच नहीं सकते वो हम तोड़ के जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और गाना बहुत अच्छा बना, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ यहाँ पर आने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोग हमसे इंटरेक्ट करें, और मैं जम्मू के जो अपकमिंग टैलेंट हैं मैं चाहूँगा कि वो मुझे कॉन्टैक्ट करें, और जो भी टैलेंटेड लोग हैं मैं उनको प्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो लास्ट टाइम मैं श्रुति जी से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, बहुत ही टैलेंटेड है, और ये मिस टीम जम्मू भी जीते हैं 2019 में। तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू के और भी जो टैलेंटेड लोग हैं मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं प्रोड्यूस करूँगा, मेरा प्रोडक्शन हाउस खुद का, मैं म्यूज़िक खुद बनाता हूँ और वीडियो ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू के और ज़्यादा बच्चे आए, मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मैं उनको आगे अपलिफ्ट करूँ मेरे साथ काम करने का, मुझे भी सीखने को मिलेगा नए नए बच्चों से। मैं यही चाहूँगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
स्टीक एंड देन मैं मिस्टीन जेम की बनी थी. तो राहुल से आई मेट अ ईयर बैक ओनली जब मैंने राहुल के साथ एक छोटी सी मीटिंग की फॉर द सॉन्ग. सो देन वी डिसाइडेड टू डू द सॉन्ग टुगेदर एंड वी शॉट द सॉन्ग इन दुबई. और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वी वर देयर इन दुबई फॉर 10 डेज जिसमें जो राहुल बता रहे थे उन्होंने मोहन की रिकॉर्डिंग में बैठी बैठी थी. तो इट वॉज अमेजिंग वर्किंग विद राहुल. इट वॉज अमेजिंग वर्किंग विद आर डीओपी दिलीप कुमार. इट वॉज अमेजिंग वर्किंग विद द होल टीम. ओ सुन मेरे हानिया ना करी ना दानिया. ओ सुन मेरे हानिया ना करी ना दानिया. जे जाना सी छड़ मैनू क्यों तू लगाई. ओ लाके मेरे नाल क्यों तू नी नी भाई. बहुत ही प्यारा गाना, सबको बहुत अच्छा लगेगा. स्टोरी बहुत प्यारी है गाने की.